सावन के महीने में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। जिस तरह सावन सोमवार का महत्व होता है, बिल्कुल उसी तरह सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व है। मान्यता अनुसार आपको बता दें कि सावन सोमवार में भगवान शिव के लिए भक्त व्रत रखते हैं और अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती के लिए मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की कामना और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। चलिए जानते हैं इस व्रत का महत्व और पूजा विधि। तो आपको बता दें कि मंगला गौरी व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगने के लिए करती हैं। इस व्रत को रखने पर घर परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि मंगला गौरी का व्रत रखने पर माँ मंगला गौरी की भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि पड़ती है। मंगला गौरी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। इस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात स्नान किया जाता है और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद महिलाएं व्रत का संकल्प रखती हैं। मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की प्रतिमा को आसन पर रखा जाता है। माँ मंगला गौरी के मंत्रों का जाप होता है और आरती गाई जाती है। सफ़ेद और लाल वस्त्र पर माँ की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। माता के समक्ष आटे से बना हुआ घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और कुछ मंत्र का जाप किया जाता है, जैसे कि सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि का भी जाप कर सकते हैं। साथ ही हीम मंगले गौरी विवाह बाधाम नाशय स्वाहा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंगला गौरी की पूजा में खास तौर से सभी चीज़ें 16 की संख्या में रखी जाती हैं, जैसे कि 16 श्रृंगार की चीज़ें, 16 मालाएं, 16 लड्डू आदि। पूजा संपन्न होने के बाद आरती गाई जाती है और भोग लगाया जाता है। नमस्कार।